और ये फिल्म का क्लाइमेक्स का सीन है जिसे मुंबई के एक VFX स्टूडियो में शूट किया गया था। और ये सीन फिल्म सिटी के अंदर का है और इस फिल्म के स्टूडियो में भयंकर बाढ़ को दिखाने के लिए मेकर्स को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख लीटर पानी को यूज किया था, यानी कि उसके लिए उन्होंने 470 वाटर टैंक मंगवाने पड़े थे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि केदारनाथ जैसा हूबहू सेट फिल्म सिटी मुंबई के अंदर ही तैयार किया गया था। और ये सीन आप देख रहे हो जहाँ पे आप घरों को पानी में डूबे हुए भी देख रहे हो, और ये सारे उसी फिल्म सिटी के सीन है। और यहाँ पे जो बाढ़ के प्रलय की सीन है और जो कि काफी भयानक लग रही है, तो उसके लिए वहाँ पे एक बड़े स्विमिंग पूल में एक सेट बना लिया गया था और स्विमिंग पूल के तल को कंप्यूटर में ब्लू कलर करा गया था। आप ब्लू कलर को देख सकते हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई भी चीज को दिखाया जा सके। और ये घोड़े का मुखौटा भी ब्लू ही है जिसे वहाँ एनिमेशन के द्वारा उसको रियल दिखाया जा सके। और वहाँ पे आप जगह जगह पे ग्रीन कलर के पर्दे भी देख सकते हो। और इस वाली शूटिंग के दौरान भारी मात्रा में पानी को छोड़ा जाता है। हालांकि जब आपने फिल्म को देखा था उतना तो पानी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसमें ज्यादातर एनिमेशन का यूज किया गया था, लेकिन शूटिंग में भी काफी फ्लो के साथ पानी को कलाकार पे छोड़ा जाता था। तो दोस्तों, आपको बता दे कि ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको इस मेकिंग सीन में देखने को मिल रहा है। इस वाले सीन को शूट करने में 3 महीने लग गए थे और इसके लिए अमेरिका से क्यूबा ड्राइविंग सीखने के लिए खास ट्रेनर को मंगवाया गया था और स्टार कास्ट को स्विमिंग और स्क्यूबा ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रहे और सहायता के साथ शूटिंग कर सके। और इस VFX स्टूडियो को तैयार करने में 7 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और इससे पहले बॉलीवुड में इतनी बेहतरीन VFX नहीं दिखाई गई थी। और इसके अलावा फिल्म मेकर ने लॉस एंजलस से स्पेशल विजुअल इफेक्ट और एनिमेशन टीम बुलवाया गया था और उनके काम का नमूना आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये फिल्म के आखिरी पार्ट का सीन है, जो कि आखिरी में हेलीकॉप्टर में जब एक ही व्यक्ति को ले जाने की कैपेसिटी रहती है, जहाँ पे मंसूर जाने से मना कर देता है और तब वो जिस छत पे खड़ा रहता है और वो बाढ़ से तबाह हो जाता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सुशांत एक ब्लू सरफेस पे खड़े है और यहाँ जब VFX से रिप्लेस किया गया तो कुछ इस तरह से ये वाला सीन क्रिएट होता था। और जिस हेलीकॉप्टर में लोग थे उसे असल में VFX से तैयार किया गया था और यहाँ पे सारा को एक रोप के सहारे ऊपर जाते हुए भी देख सकते हो और दूसरे शॉट में उनको एक रियल हेलीकॉप्टर में बिठाया हुआ देख सकते हो। वो एक रियल हेलीकॉप्टर में बिठा के उन लोगों की शूटिंग की गई थी और दोनों सीन को मर्ज करने के बाद मूवी में इस तरह से दिखाया गया था। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।